जबकि बांग्लादेश के पास शकीबुल हसन, रतन दास, मोमिन और मुश्फीक जैसे बेहतरीन टेस्ट प्लेयर हैं। ये तमाम खिलाड़ी तजर्बा कर रहे हैं और हमें ग्राउंड का जो होम ग्राउंड है उसका एडवांटेज होगा। और जबकि उनका ये भी कहना था कि टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि जो शाह मसूद ने आखिरी जुमला बोला टीम में ग्रुपिंग नहीं है, इसका कोई अभी जवाब नहीं था इसको बयान करने का या इसको बार बार जो है हाईलाइट करने का। बिल्कुल हाईलाइट करने का, क्योंकि देखे अगर पाकिस्तान टीम है तो पाकिस्तान टीम में जो ग्रुपिंग है तो ग्रुपिंग वाले लोगों को बाहर लाएं, उनका नाम बाहर वाजिया करें और उनको टीम से निकालें जो ग्रुपिंग करते हैं। तो ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि वो इंफरादी तौर पर ग्रुपिंग करें और पाकिस्तान की टीम का माहौल खराब करें और रिजल्ट उसकी वजह से खराब आते हैं। तो ये अभी तक की ताजा तरीन इतलात थी और खबरें थी जो हमें अपने अच्छा कादिर आपने बात की 4 से 5 फास्ट बॉलर्स की, 4 नाम मेरे पास हैं, नसीम है, शाहीन है, खुर्रम और मोहम्मद अली हैं। तो अब इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है कि इन 4 फास्ट बॉलर्स को पाकिस्तान टीम ने जो है वो इनका इंतखाब किया और एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, तो कोई स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है कि कोई प्लानिंग के तहत किया गया है कि मतलब ये गेम अच्छी चलेगी या कैसे प्लान किया गया है? देखिए ये अगर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पिच जो है वो फास्ट ट्रैक बनने वाला है, इससे जो है वो फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, सीमर्स को स्विंग होगा और जिस तरह की ओवरकास्ट कंडीशन है इस्लामाबाद में, बारिशें हो रही हैं, बादल आते हैं, तो उसकी वजह से उनको रेड बॉल में हाथी जो है वो स्विंग भी मिलेगी। अच्छा। और जिसके पास पेस होगी उसको स्विंग का जो है वो बड़ा एडवांटेज हासिल होगा वहां पर। और इसके साथ साथ अगर आप एक स्पिनर की बात करें तो एक साइम अयूब को भी, हमने गुजशत रोज बात की कि साइम अयूब को भी जो है वो स्पिनर के तौर पर शामिल किया जा रहा है। अच्छा। जो कि रात को जो है इस चीज का ऐलान हो गया। तो आप ये देखें कि हमारे पास सलमान अली आगा और साइम अयूब, ये दो स्पिनर हैं और उसके साथ साथ बाबर आजम को भी हमने नेट प्रैक्टिस नेट सेशन में जो है वो प्रैक्टिस करते हुए देखा है। लेकिन 4 फास्ट बॉलर का मतलब ये है कि ग्रीन टॉप विकेट बनेगा वहां पर जो है वो रावलपिंडी में, जिस तरह आपको पता है कि पहले बैटिंग ट्रैक बनते थे 500 रन जो है वो पहले 2 रोज में हो जाते हैं, पहले दिन में हो जाते हैं। तो इसलिए इसको खत्म करने के लिए ग्रीन टॉप विकेट का मकसद ये होता है कि फास्ट बॉलर को मदद मिले और हमारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो है वो अच्छे हैं, उनको पता है कि लाइन लेंथ क्या है, तो वो वहाँ पर डोमिनेट कर सके। अच्छा कादिर, रावलपिंडी की जो पिच है वो तो सुनने में आ रहा है कि दोनों टीम्स ने प्रैक्टिस की है, उन्हें मुनासिब लग रही है, वो कह रहे हैं कि गेम के अतबार से फास्ट बॉलर्स के लिए भी ठीक है और बैटर्स के लिए भी ठीक है। लेकिन हमने पहले ये जिक्र कर रहे थे कि अगर बारिश होगी तो पिच सॉफ्ट होगी, गीली होगी, नम होगी, तो स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी और फास्ट बॉलर जो हैं वहाँ पर काम नहीं आएंगे। तो अब जैसे आपने बात की कि पिच के अकॉर्डिंगली फास्ट बॉलर्स काम आएंगे, हेल्पफुल रहेगा, तो ये क्या मतलब सीन है सारा? देखिए जो रावलपिंडी की पिच है उसमें उसको पहले काफी हद तक डिसएडवांटेज जो पॉइंट थे उसको डिमेरिट पॉइंट भी आईसीसी की तरफ से मिल चुके हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या कोई भी वनडे सीरीज हो, वहां पर उसको गैर मियारी पिच होने की वजह से डिमेरिट पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो इस वजह से मिल चुके हैं क्योंकि वहां पर जो है वो पहले रोज ही 500 रन हो रहे हैं और बॉलर्स को उसकी मदद हासिल नहीं हो रही। इसीलिए आप क्यूरेटर जो इंटरनेशनल क्यूरेटर आए हैं जिसको पाकिस्तान ने हेड क्यूरेटर रखा है पीसीबी ने, उनको इसीलिए रखा है कि यहाँ पर वो विकेट्स को ग्रीन टॉप विकेट बनाए, उसमें क्रैक्स डाले, उसमें उनको फास्ट बॉलर्स को मदद मिले, अगर मॉइस्चर आता है तो उसके लिहाज से उसको कैसे ट्रीट करना है, और वो तमाम जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको बताया गया है। तो ये पिच कंडीशन और पिच का जो अभी मुआयना है वो तो कप्तानों की तरफ से होगा, लेकिन जो रावलपिंडी की पहले पिच थी और अब पिच है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाली पिच जो है वो जिसको मोटरवे की शक्ल के साथ मनाया गया था कि वो फ्लैट ट्रैक है और वहां पर रन्स होते हैं, बॉलर्स को मदद नहीं मिलती है, 5-5 दिन बॉलर जो है वो बेचारे मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनको कोई एडवांटेज हासिल नहीं होता है। लेकिन इस पर भाई ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि आप जब ग्रीन टॉप विकेट बनाते हैं उसके बाद उसको फास्ट बॉलर्स को खास तौर पर मदद मिलती है, तो पहले सेशन में जो भी खेलेगा उसको मुश्किलात तो पेश आएंगी, ओवरकास्ट कंडीशन होगी और उसके साथ साथ जो फास्ट बॉलर्स हैं जब वो डोमिनेट करेंगे या उनका प्योर लाइन लेंथ पे जब बॉल गिरेगा तो उस वक्त बैट्समैन को भी कुछ मुश्किलात पेश आएंगी, और अगर बैट्समैन को समझ लग जाती है, उसने रीड कर ली विकेट, तो फिर बॉलर्स के लिए भी मुश्किलात होगी। अच्छा कादिर, मैं देख रही थी कि काफ़ी लोगों को ना अबरार अहमद को, हमारे जो स्पिनर थे, उनको प्लेइंग 11 में ना ऐड करने पर काफ़ी एतराज़ात आ रहे हैं। कामरान अकमल ने भी एतराज़ का इजहार किया है कि क्यों उसको क्यों नहीं ऐड किया, उसको क्यों साइड लाइन कराया गया, तो उसके हवाले से ज़रा आपका क्या तज़िया होगा, क्या कहेंगे उसके हवाले से? देखिए अबरार अहमद को हमेशा से ही निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया है, और आप वो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे उससे पहले
वनडे वर्ल्ड कप हो, जब इंडिया में हम लोग गए थे वहां पर भी इन्होंने बैंच पे बिठाए रखा, उसके बाद जो है वो शादाब खान को मौके मिलते रहे, अभी भी जो है वो अगर आप देख सके तो टेस्ट मैच में उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया और उनको कहा गया कि वो जो है वो इब्रार अहमद को अभी नहीं देखना चाहते, फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। तो ये चीजें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए, शान मसूद को जो है वो ये चीजें नोट करनी चाहिए, और जैसन गिलेस्पी जो है वो बेहतर समझ सकते हैं, उनके कोचिंग का काफी तजर्बा है, काफी लंबी क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ये इब्रार अहमद के साथ फिल वक्त जो है वो ज्यादती हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहम्मद फुरैरा जो जिस तरह का बैट्समैन है, वो मुझे लगता है कि जिस तरह समी असलम पाकिस्तान से दिलबर्दाश्ता होकर गए हैं, शायद मोहम्मद फुरैरा भी अपनी जवानी में इस तरह दिलबर्दाश्ता ना हो जाए जिस तरह उनको साथ उन ट्रीट किया जा रहा है शान मसूद की तरफ से और जैसन गिलेस्पी की तरफ से। शान मसूद को चाहिए कि मोहम्मद फुरैरा जो है उनका पाकिस्तान का फ्यूचर है, कम अज कम जिस तरह साइम अयूब को चांस दिए जा रहे हैं, मोहम्मद फुरैरा को भी चांस दिए जाए जिससे वो अपनी बैटिंग मजीद निखार सके और उनको एक्सपोजर मिल सके। अच्छा कादिर, वो इसी के जो बांग्लादेश के बेहतरीन बॉलर हैं तस्कीन अहमद, वो नहीं खेल पा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो पहला मैच होना है वो टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, तो उसके हवाले से आपको क्या लगता है कि कोई गेम चेंजर होगा जब वो दूसरे मैच में वापस आएंगे? ऑब्वियसली देखें, मेन बॉलर का प्रेशर होता है और मेन बैट्समैन, मेन बॉलर, उनका जो मेन प्लेयर होता है उसका ओपोनेंट टीम पे जरूर प्रेशर होता है और हम उसको बिल्कुल भी इजी नहीं ले सकते। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी यही कहा था प्रोग्राम्स में और यही कहा था कि आपने यूएसए को भी जो है ना वो हल्का नहीं लेना और आपने यूएसए पर भी बिल्कुल इजी ओवर क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने इजी ओवर क्रिकेट खेली, आप यूएसए से भी शिकस्त से दुचार हुए, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जो है वो 100% दें, हमारे बैटर्स, हमारे बॉलर्स, हमारे फील्डर्स जो है वो मैदान में जब 100% देंगे तो ओपोनेंट टीम पर प्रेशर जाएगा। और अभी जो इंटेंट शो करने का कहा गया प्लेयर्स को, वो कहा गया कि एग्रेसिव इंटेंट शो की जाए, तो एग्रेसिव इंटेंट के साथ साथ आपने दिमागी तौर पर भी स्ट्रांग होना है ताकि आप एग्रेसिव इंटेंट के चक्रों में जो है वो अपनी पूरी जो विकेट्स है वो गवा ना बैठे। इसलिए ये एडवांटेज पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा हासिल है, पाकिस्तान की होम क्राउड है, होम एडवांटेज होगा, होम ग्राउंड होगी, होम कंडीशन होगी, तो पाकिस्तान को पता है कि कैसे टैकल करना। अच्छा कादिर, जरा आप क्रिकेट से हटकर बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में एमएमए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भी हो रही हैं, तो उस हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखिए, पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप का सिलसिला जारी है और पहला रोज जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, पाकिस्तान के जो 4 फाइटर थे उन्होंने फतह समेटी, उसके बाद एक फाइटर ऐसा था जिसको नॉकआउट किया हरीफ ने, तो आप देखे आकिब बवान जो है वो नॉकआउट हुए, जबकि उसके बाद जिया मशवानी और पाकिस्तान के रिजवान अली, उन्होंने भारतीय जो ओपोनेंट थे उनको शिकस्त दी और चिप किया और नॉकआउट किया। पाकिस्तानी जो फाइटर हैं रिजवान अली, जिनका जो है काफी हद तक जबरदस्त मुकाबला जारी था, पहले 2 राउंड में जो श्रीकांत शेखर थे उनके ओपोनेंट थे वो हावी थे रिजवान अली पर, लेकिन रिजवान अली ने अच्छा कमबैक किया और 3रे राउंड में उनको जब नॉकआउट किया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे थे वो गूंजने लग गए और उसके बाद हमने देखा कि आज जो है वो क्वार्टर फाइनल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है एशिया चैंपियनशिप का और पाकिस्तान के जो 2 फाइटर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में जो है वो फतह समेटी है, उसके बाद आज मजीद जो है वो पाकिस्तानी फाइटर भी जलवागर होंगे और 1 इंडियन फाइटर जलवागर होंगे एशिया चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स में। तो सेमीफाइनल में अभी तक पाकिस्तान के 2 जो फाइटर्स हैं उन्होंने जगह बना ली है और ये सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा और 22 अगस्त को फाइनल मुकाबले होंगे। वेल, थैंक यू सो मच कादिर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग अपडेट्स विद अस, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज का जो प्रोग्राम है उसका टाइम यहीं तक था, एंड जो भी हमने बातें की, डिस्कशन की क्रिकेट परफॉर्मेंसेस के हवाले से, ऑब्वियसली हमें उम्मीद तो है कि कल जो पहला मैच है उसमें जो परफॉर्मेंस है वो हमारी टीम की ज़बरदस्त रहे, क्योंकि यही मौका है, होम ग्राउंड पर मैच हो रहा है, अब नहीं तो कब, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, उसमें भी हमारा ही होम ग्राउंड है, हमें अपने आप को मनवाने का मौका मिलेगा, होस्ट भी हमने करना है, तो लेट्स सी कि क्या होता है कल के मैच में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए बाय बाय।